देखिए यहाँ पर जो बर्गर किंग है रीसेंट लिस्टिंग्स हैं पर 160 165 लेवल्स पर जो कंसोलिडेशन दिखा था उसके बाद काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ नज़र आया है हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। इनफैक्ट यहाँ पर जो है मोतीलाल ओसवाल की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी आती हुई दिखी है और काफ़ी सारे टीजी के ट्रिगर्स जो है ये अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जो दिसंबर 2026 तक कंपनी का जो स्टोर फ्रंट्स है वो 265 से बढ़ाकर लगभग 700 स्टोर्स ये करने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो जो टॉप एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स है कंपनी वहां पर तो फोकस कर ही रही है, पर डाउन द लाइन अगर आप यहाँ पर जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं इनके वहां पर भी कंपनी का अब बहुत बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर इन्होंने इनका जो स्टनर मेन्यू है उसके अंडर इन्होंने काफी सारे वैल्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिस वजह से इनकी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो अब फर्दर बढ़ती हुई नजर आएगी। काफी सारे इनके डिलीवरी मॉडल्स हैं, चाहे आप ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें या फिर टेक अवेज, ड्राइव थ्रूज और फिर डाइनिंग फैसिलिटीज तो है ही है कंपनी की। और जिस तरह से अब अनलॉकिंग होती हुई दिख रही है और जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो रही है, डेफिनेटली इनकी जो डिमांड है और जो फुटफॉल्स है इनके स्टोर्स पे वो अब ज्यादातर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट यहां पर आप देखिए तो ये पैंडेमिक के दौरान काफी सारे रेस्टोरेंट्स जो पहले के थे वो कहीं ना कहीं जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो अपने जो बिजनेस को है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और उनकी उनके बंद होने से इनकी जो मार्केट शेयर है उसमें इनको फर्दर गेन होता हुआ मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस चीज को इनको ध्यान में रखना होगा। और एक पॉइंट था यहाँ पर जो इन्होंने हाईलाइट किया था जो था रॉयल्टी फीस को लेकर। आप देखिए यहाँ पर जो रॉयल्टी फीस है वो काफी कॉम्पिटिटिव है, करीब 5% जो है 2039 तक इनको सिर्फ केवल 5% की रॉयल्टी फीस देनी है, जबकि अन्य बाकी चाहे वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लीजिए या फिर पिज्जा हट KFC की बात करें तो वहां पर रॉयल्टी हो सकता है और आगे बढ़ती हुई भी नजर आए। तो यहां पर इन्होंने 2039 तक ये चीज फिक्स कर ली है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स है। और यहां पर जो निशरिंग कवरेज इन्होंने की है मोतीलाल ओसवाल ने वहां पर ये 210 रुपए के टारगेट्स सुझा रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स हैं बर्गर किंग को लेकर।